कामों के ऊपर, पुलिस कर्मचारियों के भलाई के लिए आज तक लड़ रहे हैं। और छिंदा सिंह जी, रावत जी, जो दिल्ली पुलिस 1966 से उनके कर्मचारियों के लिए, संगठन के लिए, एसोसिएशन के लिए, और आप लोगों की, पुलिस कर्मचारियों की, जनता की, तो उस सेवा में जो लगे हुए हैं, मैं इन सभी आप लोगों का यहाँ पहुँचने पर हार्दिक स्वागत करता हूँ। और अब छोटी सी बात, एसोसिएशनों पे जो बात आई, अब सुप्रीम कोर्ट भी ये बात बार बार कह चुके हैं कि एसोसिएशनें सांस ले रही हैं। वो सांस क्यों ले रही हैं? वो कुछ तो हमारी अपनी जो एसोसिएशनें हैं स्टेटों में, कुछ तो उनकी कमी आ रही है, और कुछ हमारे नेता जो लोग आए बीच में, वो उनकी भी कमी आ रही है। 1978 में जब ये हमने शुरुआत की, यहाँ भगवान दास शास्त्री जी होते थे, दिल्ली पुलिस के प्रधान होते थे, तो 1979 को एक छोटा सा पंजाब में हादसा हुआ। एक कोई मंत्री पादी होते थे, तो उन्होंने एक ट्रैफिक पुलिस कांस्टेबल के साथ जाति की, तो उसके ऊपर पंजाब पुलिस में स्ट्राइक हो गई। तो स्ट्राइक थोप थी, स्ट्राइक तो नहीं थी वो, लेकिन थोप थी। उसकी समर्थन में जब हमारे कुछ कर्मचारी आए पंजाब के, तो वहां उस थोप दी गई। तो हमने भी, हरियाणा पुलिस ने भी उस टाइम उनका सपोर्ट किया और उस चीज को उठाया कि आज ये मंत्री अगर हमारे पुलिस वालों को इस तरह के हालात पैदा करेंगे, हमारी बेइज्जती करेंगे चौक के ऊपर, तो कैसे ड्यूटियाँ होंगी। तो हरियाणा ने भी मधुबन में हमारे कुछ कर्मचारियों ने वहाँ धरना प्रदर्शन दिया, और उस धरना प्रदर्शन के कारण जीटी रोड जाम हो गया। अब जीटी रोड जे एंड के से लेकर हिमाचल तक सब कुछ चलता है उस पर, तो वो सारा दिन वो जाम रहा है। तो हमारे पुलिस कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई शुरू हुई, मुकदमे दर्ज हुए, एफआईआर दर्ज हुई। उसमें कुछ आदमी हमारे गिरफ्तार हुए। गिरफ्तार होने वालों में मैं भी था, और हमारे ऊपर मिनी मिसा लगता था उस टाइम, मिनी मिसा लगा दिया गया और डिसमिशन भी कर दिया गया साथ ही साथ। तो लेकिन हाई कोर्ट की मेहरबानी, या जुडिशरी अभी थोड़ी जिंदा है, तो उसकी वजह से 22 दिन बाद ही डिसमिशन भी क्वेस्ट कर दिया गया, मिनी मिसा भी क्वेस्ट कर दिया गया, और एसपी ने और आईजी ने एफिडेविट फाइल करना पड़ा हाई कोर्ट में कि जी हमने तो इसकी वहां के ताजे वाला पोस्टिंग कर रखी है, तो हमने इसको नजरबंद नहीं कर रखा। तो उसके बाद एसोसिएशन की शुरुआत हो चुकी थी। एसोसिएशन के लिए, पुलिस कर्मचारियों की डिमांडों के लिए हमने जब ये बात सरकार को रखी, तो उस टाइम के मुख्यमंत्री जय चौधरी देवीलाल जी, तो जब उस मेज पे जब हम लोगों ने बात की, तो उस टाइम जो भी हमारी डिमांडें थी टोटली की टोटली सरकार ने मानी और उनको लागू किया। उसके बाद एसोसिएशन की डिमांड जो हमारी थी, उसको पर एक कमेटी बना दी सरकार ने। होम मिनिस्टर होते थे हमारे उस टाइम में नरेंद्र सिंह जी, तो उनकी अध्यक्षता में कमेटी बना दी। लेकिन एसोसिएशन को उन्होंने चक्कर कटाते रहे, कागज इधर से उधर चलते रहे, उन्होंने हमें मान्यता नहीं दी। उसके बाद सरकारें टूट गई, उस मान्यता के लिए हम लड़ते रहे। 1982 में उस मान्यता के कारण ही अब महाराष्ट्र में, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, कई जगह एसोसिएशनों के लिए लड़ाई चल रही थी। तो सरकार ने जो एसोसिएशन में सक्रिय थे, जबकि कोई स्ट्राइक नहीं थी, कोई कुछ भी नहीं था, अनुशासन में सब टूटियां कर रहे थे, वो स्ट्राइक का थोप करके और हमारे 500-550 आदमी को हरियाणा में 311 टुकड़ी में डिसमिस कर दिया गया। तो
और महाराष्ट्र के भी डिसमिस कर दिए गए, मध्य प्रदेश के, राजस्थान के, तो 8-10 स्टेटें थी, तो वो डिसमिशन हमारे काफी लोगों को किया और मुकदमे दर्ज भी किए। उसके बाद यहाँ सुप्रीम कोर्ट में हमने डायरेक्ट फाइल किया, क्योंकि यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन बेंच उस टाइम चली हुई थी, 311 कॉन्स्टिट्यूशन का मामला था और हमारे साथ ज्यादती हुई थी, नाजायज हमारे साथ हुई थी, जो ड्यूटी कर रहे थे अमृतसर गुरुद्वारे उग्रवाद के खिलाफ लड़ रहे थे, अब उन लोगों को गहरा दर्द दिखा दिखा मुझे डिसमिस कर दिया गया। जबकि वहां से जब एफिडेविट आए ड्यूटी रजिस्टर कॉल किए सुप्रीम कोर्ट ने, जब उस उन सब मिले और रिकॉर्ड में उन्होंने गहरा दर्द बात में डिसमिस किए, ऐसे ऐसे अत्याचार पुलिस के साथ हुए, कर्मचारियों के साथ। उसके बाद फिर यहाँ सुप्रीम कोर्ट ने बहाल कर दिए सारे कर्मचारियों को, ज्वाइन कर लिया, एसोसिएशन की लड़ाई फिर भी जारी। और जो हमारा एसोसिएशन के लिए रजिस्ट्रेशन के लिए जो लड़ रहे थे, हमारा रजिस्ट्रेशन भी सरकार ने नहीं होने दिया। एसोसिएशन के उस टाइम के 1978 में होम मिनिस्टर चौधरी चरण सिंह जी, हम शास्त्री जी के नेतृत्व में हमारा काफी बड़ा, और महेंद्र सिंह आजम जी के नेतृत्व में हमने उनसे मुलाकात की और उन्होंने ये कहा कि भाई पुलिस का हम जरूर कुछ ना कुछ करेंगे, माने कुछ हो तो रहा नहीं। तो उन्होंने धर्मवीर आयोग के नाम से पुलिस के ऊपर एक आयोग बनाया, जिसके नाम जो धर्मवीर सिंह मथुर होते थे रिटायर्ड पंजाब के, उनकी अध्यक्षता में राष्ट्रीय पुलिस आयोग नियुक्त किया। उस राष्ट्रीय पुलिस आयोग की रिपोर्टें 8 खंडों में आई, आखिरी रिपोर्ट 1980 में उसने अपने दी। अब उस रिपोर्ट में से आज तक वो लागू नहीं हुई, वो सुप्रीम कोर्ट में जो पुलिस सुधार हुआ, सुप्रीम कोर्ट भी कई बार डायरेक्शन कर चुके हैं कि भाई उस धर्मवीर आयोग की रिपोर्ट को लागू किया जाए, जो पार्लियामेंट को थी अब वो पार्लियामेंट में भी धूलफा करी है, अब तक वो उस रिपोर्ट पे कार्रवाई नहीं हुई। उसके बाद हमारी एसोसिएशन की डिमांड चलती रही, लेकिन इन्होंने छोटी मोटी बात जो हमारी वो नहीं की। जैसे हमारा रोडवेज का था, रोजाना ट्रांसपोर्ट के साथ आगे पीछे झगड़ा रहता था हमारा, तो उस समय के चीफ मिनिस्टर रघुवंशीलाल जी थे, तो हमने ये कहा कि हमारा रोज झगड़ा होता है और ये अच्छी बात है नहीं, पुलिस का रोज का रोज पुलिस वाले इस चक्कर में रहे, पहले पब्लिक भी खिलाफ सोचती है पुलिस वालों का कसूर है और हमारा कोई दोष होता ही नहीं। तो उसमें जी उसमें हमारा सरकार के साथ समझौता हुआ, उसमें बस पास हमें अलाउ कर दिया गया, हमारे 20 रुपये मंथली कटने शुरू हो गए और हरियाणा रोडवेज जहाँ तक भी जाती है किसी स्टेट में जाए वहां तक हमें अलाउ कर दिया गया बस सफर करने के लिए। हाउस रेंट था वो 20% मिलता था फोर्स को, बाकी को नहीं मिलता था, हमने वो हाउस रेंट भी 60% फोर्स को हमारे यहाँ मिलता है। लेने में कोई भी कर्मचारी है या तो उसको सरकारी मकान मिलेगा या उसको हाउस रेंट मिलेगा, एक चीज उसको हर आदमी में मिलेगी, चाहे वो कहीं भी पोस्टिंग है, इसमें कोई वो नहीं होगा कोई ये ट्रेजरी में लग रहा है, ये रिजर्व में लग रहा है, ये वहां लग रहा है, कहीं भी हो। उसके बाद ये डिमांड लागू हुई, फिर 91 में हम राशन मनी के ऊपर ज्यादा जोर था हमारा, कुछ डिमांड है वो थी, तो सरकार ने 1991 में भी हमें वही वही दोहराया पिछला इतिहास जो था
311 टूटी लगा करके हमारे 500-550 आदमियों को फिर डिसमिस कर दिया गया। वही झूठी कहानी बना बना करके उसमें हमारे काफी आदमियों के खिलाफ केस रजिस्टर आपराधिक मुकदमे दर्ज भी हुए, 124 के भी हुए, 153 के भी हुए, देशद्रोह के मुकदमे दर्ज हुए। हमारे 13 आदमियों पर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून भी लगा दिया गया। जब 13 आदमियों पर हमारे पर नाजायज तौर पर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून लगाया तो हमने जी हाई कोर्ट में इसके ऊपर याचिकाएं डाली कि हमें नाजायज डिसमिस किया और नाजायज ये लगाए। तो हाई कोर्ट में लंबी सुनवाई के बाद 11 महीने के बाद फैसला आया, डिसमिसल रिक्वेस्ट होगा और हमारे डिसमिसल भी स्टे कर दिए गए। हम वापिस आठ महकमे में आगे ज्वाइन कर लिया और उसके बाद हमारी एसोसिएशन की लड़ाई खत्म हुई जाएगी। हमने कहा जब तक ये मान्यता हमें नहीं मिलेगी यूं ही लड़ते रहे, हमारा अधिकार है, संविधानिक अधिकार है, हमें बोलने की इजाजत नहीं, हमें कहीं कुछ करने की इजाजत नहीं। तो उस टाइम सेंट्रल गवर्नमेंट के जो मंत्रिमंडल थे यहाँ भी मिले और हमारे हरियाणा में चीफ मिनिस्टर जो थे उनसे भी बार बार वो आग लगाई, मुलाकात भी की, लेकिन मान्यता के ऊपर उन्होंने नहीं कोई विचार किया। उसके बाद सरकार बदल गई, नई सरकार आ गई 1996 में, क्योंकि हमें रजिस्ट्रेशन भी नहीं होने देते थे। रजिस्ट्रार को जब रजिस्ट्रेशन के लिए जाते थे वो कहता था पहले डीजी या गवर्नमेंट परमिशन देगी, हम जो करेंगे पुलिस का हम कोई रजिस्ट्रेशन नहीं करते, जबकि ये था सोसाइटी एक्ट में हमें रजिस्ट्रेशन मिलना चाहिए था, कानून में कोई प्रावधान ऐसा नहीं पुलिस वालों को रजिस्ट्रेशन नहीं मिलेगा, लेकिन फिर भी हमें नहीं दिया। 1996 में जब सरकार बदली तो हमने उस समय के मुख्यमंत्री चौधरी बंसीलाल जी से फिर मिले, मुलाकात की और हमने कहा कि हमारा यह अधिकार है और चौधरी बंसीलाल ने फिर कहा भाई रोकता कौन है, मैं आपकी सरकार रोकती है, आपके अधिकारी रोकते हैं, मगर आप तो नहीं रोकते। तो फिर वो आइए सब सरकार गुवाहाटी जी, हम उनसे मिले डायरेक्ट, मगर जी आप हमारा रजिस्ट्रेशन कीजिए, मगर आप सरकार से इजाजत दीजिए, मैं सरकार को होती सरकार मुख्यमंत्री होता मुख्यमंत्री तो ऑब्जेक्शन नहीं करता, आप क्यों रोकते हो, किस तरह रोकते हो, आप डीजी से डीजी कौन होता है, मगर जी सरकार से मुख्यमंत्री नहीं कहता रोकने के लिए, तो आप किस बात के डीजी पी कौन होता है। तो जी उसने हमारा रजिस्ट्रेशन किया, रजिस्ट्रेशन के बाद हमने रिकॉग्नाइजेशन के लिए कोशिश की, फिर मुलाकात मुख्यमंत्री से हमने फिर की डेप्यूटेशन, हमने कहा कि रजिस्ट्रेशन तो हमारा है हो गया, अब हम ये चाहते हैं कि आप हमारे धर्मवीर आयोग ने जो रिपोर्ट सिफारिशें की हैं या दूसरे और भी 8-10 आयोग, बोरा कमेटी को नारीगंज कमेटी बनी, फिर ये कोई कमलनाथ कमेटी बनी, ये कई कमेटियां बनी, तो सभी ने ये रिकमेंड किया अकबर पुलिस को जो ड्यूटी आवर्स हैं उसका भी देखो, उनकी ड्यूटी कंडीशन है वो भी देखो, उनके परिवार की समस्या है वो भी देखो, लेकिन किसी ने कोई ध्यान ही नहीं दिया। ध्यान नहीं दिया तो आखिर में जाकर के तो हमें वो रिकॉग्नाइजेशन चौधरी बंसीलाल ने कैबिनेट मीटिंग बुलाई, कैबिनेट मीटिंग में हमारा रजिस्ट्रेशन रखा, अब ये रजिस्ट्रेशन नंबर 430 है और ये एप्लीकेशन आई है, इसको रिकॉग्नाइज किया गया। तो कैबिनेट में वो अप्रूव किया, कैबिनेट में अप्रूवल होने के बाद हमारे को एसोसिएशन का अधिकार मिला, बाकायदा रिकॉग्नाइज नोटिफिकेशन होम सेक्रेटरी ने किया और रूल रेगुलेशन बढ़ा करके गवर्नमेंट ने ये रिस्ट्रिक्शन एक्ट जो है ये सबसे बड़ी बाधा है हमारे कार्य क्षेत्र करने के लिए। तो इसमें भी होम सेक्रेटरी ने जब ये हमें लॉ बढ़ा के दिए उसमें ये पुलिस लाइज रिस्ट्रिक्शन एक्ट का हवाला दे दिया गया। तो इसकी वजह से एसोसिएशन तो हमारी काम कर रही है, ठीक कर रही है और उसमें अधिकार भी कुछ दिए, उसमें अधिकार ये दिए कि हम किसी भी समय किसी भी डीजी से किसी भी मंत्री से किसी मुख्यमंत्री से हमें कोई इजाजत लेने की जरूरत नहीं है, हम जा सकते हैं उनसे मिले। दूसरा एसोसिएशन के काम के लिए हमें कोई वीआईपी ड्यूटी हो तो रोक सकते हैं, नहीं तो कोई सरकार ने रूल दिया अब वीआईपी ड्यूटी पे ही आप रोक सकते हो, नहीं तो एसोसिएशन के कार्य करने वालों को आप जाने से नहीं रोकोगे,
और TADA बाकायदा ऑफिस TADA टेलीफोन ये सब सरकार देगी, स्टेशनरी भी सरकार देगी, ये सारा सिस्टम लागू कर दिया गया। एसोसिएशन का फंड जो था रिच टैक्स एक्ट की वजह से, रिच टैक्स एक्ट ये कहता है कि आप चंदा नहीं करोगे, डोनेशन नहीं करोगे, बैन। तो जब इसके ऊपर बात आई तो उसमें सरकार ने ये कर दिया कि भाई एसोसिएशन का जो फंड कटेगा एसपी काटेगा, जिले का एसपी काट के और आरटीआर द्वारा चेक द्वारा बाकायदा एसोसिएशन के खाते में भेजेगा। हमारी शिरकत खत्म हुई चंदा की फाइनेंस की, वो 5 रुपए कटने हमारे इलाकों में अपने आप ही आ गए, अपने आप कटे, एसपी से कट के आरटीआर द्वारा चेक द्वारा हमारे एसोसिएशन के खाते में आने शुरू हो गए। उसके बाद सरकार बदलती है, अब दूसरी सरकार आ जाती है, अब सोचते हैं इसको कैसे तोड़ा जाए, कैसे करा जाए। उन्होंने पहले तो बैंकों से पे कर दी कि भाई बैंकों में पे कर दी, हम क्या करें, एसपीओ से मिले जी हमारे ये पैसे जो 5 रुपए आने हमारे खातों में ये बंद हो गए, क्या बात है। तो वो कह रहे भाई हम क्या करें, तुम भाई करो क्यों नहीं, आप जब बैंक में पे भेजते हो तो आपने भेजने हैं, और किसी थोड़ा भेजने हैं। तो उस टाइम के मुख्यमंत्री थोड़े हमारे से खिलाफ थे, तो वो चाहते नहीं ये पैसा फंड इनके पास इकट्ठा हो। तो उन्होंने जी ना तो कोई ऑर्डर जारी किया, कोशिश की उन्होंने एसोसिएशन को भंग करने की, लेकिन फिर अधिकारियों ने कहा जी भंग तो कर दो गया, अब भंग कर दो गया फिर कोर्ट से स्टे ले लेंगे। तो वो उन्होंने वैसे ही बंद कर दिए, मतलब ना 5 रुपए भेजने बंद कर दिए, चंदा हम कर नहीं सकते थे उस टाइम के, जो पैसे मारे हैं वो ऐसे ही पड़े हैं, ना उसको यूज होने वाली बात, और ना कुछ 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 ऐसे आ गए उनमें डरपोक से आ जाते हैं अफसरों के आगे एसोसिएशनों में, तो इस तरह की हरकतें होकर के वो पैसा हमारा ब्लॉक ही है, वो पैसा एसोसिएशन के नाम है, लेकिन वो हमारे रिटायर हो गए, दूसरी बोडियां बढ़ी नहीं। अब चुनाव के लिए जो संविधान हमारा जो सरकार ने दिया उसमें चुनाव का प्रावधान है, हमने नोटिस दिया डीजी साहब को, डीजी साहब भेजते हैं, अभी सप्तम स्थान से चुनाव में नहीं है। तो वो चलती रही है बोडियां हमारी, बोडियां हमारी आज भी चल रही है, लेकिन अब हम उसी बात को पर विचार कर रहे थे कि भाई जब हमारा सरकार दे रखी है डोनेशन पे हमारे में बैन है, सरकार में भेजना था वो भेज रही, तो उसके लिए हम रिट की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि भाई या तो हमारे चंदा करने की इजाजत दो, और नहीं तो हमारे जो हमारा पैसा वो सरकार भेजे, क्यों नहीं भेजते, क्यों नहीं सरकार को जारी करके उसके ऊपर करो, उसकी हम तैयारी कर रहे हैं। तो उसके बाद जो सरकार है ये ग्रेड की बात आई, तो हमारी डिमांड थी जी पंजाब ग्रेड के बराबर, तो इन्होंने पिछले मुख्यमंत्री ने ये हाँ कर ली कि हम पंजाब के बराबर आपको स्केल देंगे, लेकिन 2 साल तक टाला में, 2 साल तक टाला, जब हमने कहा माँ जी कब दोगे, हमें कम से कम टाइम बता दिया जाए कि कब आपने देना है, नहीं देना तो ना कर दो, हम अपना तरीका जो है बताएंगे जो भी होगा। तो जी वो बोला ठीक है बता देंगे, तो जब उन्होंने नहीं किया तो हमने जी मैच पास की काल दी, मैच पास की जब हमने काल दी हरियाणा में कोई भी मैच नहीं चला, हमारे डीजी एसपी मैसूम चले गए, उन्होंने कह दिया जी हम नहीं खाते, 26 उसका 15 अगस्त का दिन था, मंत्री ने भी कहा, मंत्रियों के साथ जो हमारे फोर्स रखती है भाई तुम तो खा लो, मेरे साथ जी जब काल कर रखी है सारी फोर्स कहीं भी चूल्हा नहीं चला हमारे हरियाणा में, तो उससे सरकार घबराई, सरकार घबराई, तो ग्रेड देने के बजाय हमें 5,000 रुपये रिस्क अनाउंस की हमारी डिमांड थी एक्स्ट्रा, तो हमें 5,000 रुपये रिस्क अनाउंस दे दिया उस मैच बंद के ऊपर ही। तो अब ये ग्रेड की जब चल रही है हमारी जिनसे मीटिंग हुई, फिर मुख्यमंत्री ने एक और बात कही कि थारी कोर्ट तो है ही नहीं, तो हमने हाई कोर्ट में रिट फाइल की, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को भी पार्टी बनाया और सारी स्टेटों के उनको इलेक्शन ऑफिसर को पार्टी बनाया, तो उसमें हाई कोर्ट ने ऑर्डर किया कि सभी पुलिस वालों को पोस्टल बैलेट पेपर इशू करोगे पहले इलेक्शन से 15 दिन पहले,
तो अब पिछली बार जब इलेक्शन हुआ तब हमें वो बैलेट पेपर मिले और हमने वोट हरियाणा में सभी पुलिस कर्मचारियों ने वोट डाल दिया। तो सरकार को पता चल गया आपको लोग, और सरकार हारी और ये मौजूदा सरकार जो आई इन्होंने हमारे से वादा किया था। इनके गडकरी जी प्रधान होते थे सूरजकुंड में, हमारे डेपुटेशन के साथ मीटिंग हुई और इन्होंने ये वादा किया था कि हमारी सरकार अगर बनती है तो हम पंजाब के बराबर हरियाणा पुलिस को स्केल देंगे। आज तक कोई भी इन्होंने स्केल की बात नहीं करते। मैनिफेस्टो में हमने डलवाया, क्या पे मैनिफेस्टो डाल देते हैं। सीएम साहब से हमारी चार मीटिंग है हुई रेडियो के ऊपर, वो कहते लागू हम करेंगे, अपना हम जो वादा किया हम उसको लागू करेंगे, ना तो वो ना कर रहे हैं ना वो दे रहे हैं। तो अखबारों में आप कई बार दे देते हैं देंगे, कई बार मुख्यमंत्री नाट करते हैं भाई नहीं भाई स्थिति ठीक नहीं है हम नहीं दे सकते। आज हमारा जो नया सातवां वेतन आयोग जो किया इसी के ऊपर हमने ये रखा कि जी आपने सातवां वेतन आयोग जो दिया है हमारे हरियाणा पुलिस का कर्मचारी 550 रुपए कम हो गया है बढ़ने की बजाय। अब ये ढिंडोरा पीट की सरकार है, वेतन आयोग दे दिया है, ये कर दिया है हरियाणा में, तो भैया हमारा 505 रुपए घटाया तो हमने क्या मतलब 24 तारीख को सीएम साहब को देख आए हैं जी 24 पिछली को, तो वो बढ़ने की बजाय घटाए। साथ में 21,700 रुपए का वेतन आयोग दिया है सातवां, और इसमें हमारा पिछली पे स्लिप, ये पे स्लिप जो 16 महीने रहता है एक्सपायरी और वो 17 बड़े हुए थे, उन्होंने 505 रुपए घटे हैं उसके बड़े नहीं है। तो सीएम साहब कहते हैं एग्जामिन करा लेते हैं, हमारे वित्त मंत्री कहते हैं एग्जामिन करा लेते हैं, अब तक 2 साल हो गए एग्जामिन ही नहीं हो रहा, भाई कैसे एग्जामिन करना है क्या करना है। तो बाकी तो तकरीबन हमने आज भी जो शुरुआत की, क्योंकि हमने क्योंकि जब हालात ऐसे हो गए कि सरकारें कोई देना नहीं चाहती, अब कई तकरीबन 8-10 स्टेटों में हम गए, हमने सब जगह ये पता चला आज ये हमारी सबकी प्रॉब्लम ये है। सबसे बुरी हालत यूपी की है हमारे पड़ोस में, और सबसे ज्यादा फोर्स है तो यूपी वाले बार बार कह रहे हैं जी संगठित करो, मैं हम तैयार है, सब कुछ तैयार है हमारे पास। तो अब हम स्टेट बैक एक स्टेट में एसोसिएशन की मान्यताओं के लिए, अब तो हमारा मेन मकसद जो है एसोसिएशन को फ्रेम करना है, हमारा फंडामेंटल राइट है कि हम एसोसिएशन हूं हमारी। तो सबसे मेहनत हमने एसोसिएशन को रिकॉग्नाइज कराना है, उनको मजबूत करना है, और उसके साथ साथ हमारी डिमांड तो तकरीबन वक्ताओं ने बता दी, चौधरी जी ने बताया, वो छिद्दा जी भी ने बताया, वो डिमांड तो सब सेम है, चाहे पैरामिलिट्री फोर्स है चाहे हमारी लोकल पुलिस है, वो डिमांड सबकी सेम है सारी की सारी। और ज़्यादा कुछ ना कहते हुए हम तो यही कहेंगे कि जब तक संगठित आज हमने क्यों नहीं बुलाए, वो जो पहली वाली लड़ाई लड़नी पड़ेगी जब हम मजबूत हुए थे, आज हम कमजोर क्यों है, ये छिद्दा सिंह जी की सोच अलग सी थोड़ी सी हमारे से थोड़ी सी अलग है, क्यों अलग है ये प्रचार करते हैं पहले, हम प्रचार नहीं करते पहले, हम पहले मजबूती करते हैं बाद हम प्रचार की बात करते हैं। अब क्या हमारे हमने क्यों नहीं बुलाया, ये हमारे सिक्योरिटी वाले भाई बैठे हैं, स्पेशल सेंट्री बैठे हैं, नाम जाते हैं सर्विस वाले भाई होते हैं उनके खिलाफ आप सब उसमें नहीं देते एसोसिएशन के मामले में कार्रवाई तो क्योंकि हमारी मान्यता है, वो दूसरा बड़ा लगाते हैं ड्यूटी का गैरहाजिरी का और जिस चीज का उनके नाम चले जाते हैं वो करते हैं, और हम हमेशा क्या करते हैं जो सर्विस वालों को हम पहले अनाउंस कभी नहीं करते, बाद में अनाउंस करते हैं, मीटिंग हो जाती हमारे 500-400 आदमी होते हैं एक मीटिंग में, इससे कम हमारे आदमी होते ही। तो ये थोड़ी जब तक बहुत ज्यादा मजबूत ना हो जाए तो ये छोटे फंक्शन करने का हमारा कोई फंक्शन नहीं होता ना हम करते हैं कभी, क्योंकि हम अब फेडरेशन में आए हैं, यहाँ का सिस्टम आस्ता आस्ता देखेंगे और मजबूत करेंगे, कुछ छिद्दा जी से सीखेंगे, कुछ आदिम जी से सीखेंगे, कुछ आप लोगों से सीखेंगे, जो बाहर से कोई भाई आए उनसे सीखेंगे,
कुछ आप लोग वकीलों से पता करेंगे, क्योंकि अब इस हमें तजुर्बा है थोड़ा इस चीज का, क्योंकि सरकार ने 7 बार डिसमिस किया मेरे को, एनएसए भी लगाए, देशद्रोह के मुकदमे दर्ज भी किए, लेकिन 1 महीने से बाहर मेरे को बाहर रख नहीं सके। ये कोई भी सरकारें आई डिसमिसल करती, 1 महीने में हाईकोर्ट ने मेरे डिसमिसल को स्टे किया। तो इसके बावजूद भी अब फिर ऑफिसर मेरे को कहना ही छोड़ गए, छेड़ना ही छोड़ गए, कहीं जाएं कहीं रवानगी करें। मैं महीने में 1 दिन रवानगी करता था, 30 दिन बाद वापसी करता था, पीए लिए लेता था, सरकार सब कुछ देती थी, मेरे को किसी अधिकारी ने कभी रोका नहीं, रोका कहां जा रहे हो क्या कर रहे हो। इतनी मजबूत एसोसिएशन जब आप लोग सब स्टेट में हम कर लेंगे, जब ये जा करके सरकारें क्या कहेंगी कि हम मजबूत हैं, जब तक हम एसोसिएशन को स्टेट की एसोसिएशन को मजबूत नहीं कर लेंगे उस टाइम तक हमारी फेडरेशन भी कोई मजबूत नहीं होती। इसलिए सबसे पहले हमारा ध्येय यही है कि पुलिस सुधार जब भी होगा, आज क्या है भर्ती में भर्ती होती है, भर्ती में पॉलिटिकल सिफारिश, पोस्टिंग होती है पोस्टिंग में पॉलिटिकल सिफारिश, ट्रांसफर होता है ट्रांसफर में पॉलिटिकल सिफारिश। तो अब पुलिस को तो राजनीतिक बना दिया, ऐसे सोच लो राजनीतिक पार्टी जो होती है वो उनके घरेलू गार्ड होते ना उनकी तरह काम करने वाली है। हिंदुस्तान में पुलिस नाम की जो पुलिसिंग सिस्टम जो बनाया था वो नहीं है। अब ये बुद्धिजीवी बैठे हैं और बाहर से भी आए हुए हैं, पुलिस का काम था लोगों पब्लिक की सेवा करना, पब्लिक के अधिकारों की रक्षा करना और उनके अधिकारों को सुरक्षित रखना। अब क्या है पुलिस का फोन आता है, आज एक क्राइम हो रहा है हमारे छोटा सा लगा ले दिल्ली पुलिस का, अभी दिल्ली का आया था नरेला साइड का, वो जनानियां पीट रही, एक जनानी को वो शराब पकड़वाई थी उसने, क्या है शराब एक एसपी को अंदर दे दो जिले के, तो शराब बिकेगी नहीं, मतलब ही नहीं शराब बिक जाए, कोई क्राइम हो जाए। अब एसपी को तो जिम्मेवार ही नहीं मानती ना, एसपी को तो ये कहते हैं एसपी जिम्मेवार, हम कहते हैं अगर इंडिया में कहीं भी कोई जुर्म होता है एसपी को अंदर दे दो चाहे जुर्म हो जाए 24 घंटे जुर्म बंद हो जाएंगे 24 घंटे, क्योंकि जो भी मंथली होती है जो भी कुछ होता है वो एसपी की वजह से ही होता है और अच्छे अच्छे अफसर भी हैं। अब एक मिसाल के तौर पर बताता हूँ, एक हमारा वेलफेयर फंड इसको एसोसिएशन को खत्म करने के लिए एक वेलफेयर सोसाइटी बनाई। अब अधिकारियों ने वो तो खर कोर्ट में चली नहीं बात उनकी, उन्हें कहा कि हमने वेलफेयर सोसाइटी बना रखी है, इस वेलफेयर सोसाइटी में कानून बना रखी दे रखा है, अब इस तरह काम करेंगे ये करेंगे। इसमें क्या होता है, इसमें पुलिस कर्मचारियों के रिटायरमेंट पार्टी है, उनको चोट लग जाए मर जाए उनको सहायता दी जाती है, उनके बच्चों के स्कॉलरशिप वगैरह पढ़ाई में मदद की जाती है, ये चीजें हैं। लेकिन ये क्या करते हैं, क्योंकि इसका सोसाइटी एक्ट में जो प्रावधान है नए सोसाइटी एक्ट में उसके बिल्कुल अगेंस्ट है, ये कानून के अगेंस्ट है। हरियाणा पुलिस वेलफेयर एंड स्पोर्ट सोसाइटी जो है इसका जो रूल है ये ही कर्मचारियों का सबसे बड़ा शोषण है, क्योंकि इसमें जो हमारा जो पैसा कटता है सिपाही के 20 रुपए कटते हैं, हवलदार के 20 रुपए कटते हैं, एएसआई के 30 रुपए कटते हैं, थानेदार सब इंस्पेक्टर के 50 रुपए कटते हैं, इस तरह पैसा इकट्ठा होता है और 50% सरकार ग्रांट देती है, जितना पैसा हमारा इकट्ठा होगा उसका 50% गवर्नमेंट देती है। तो उसका यूज क्या करते हैं, ये जहां यूज नहीं कर सकते वहां यूज करते हैं। एक मिसाल के तौर पर बताता हूं मैं, एक ये एक जिले की है सूचना, हमने आरटीआई से मांगी है और हमने प्राइम मिनिस्टर को भी लिखा है और सीएम विंडो पर हरियाणा में भी लिखा है, प्राइम मिनिस्टर का तो कोई जवाब नहीं आया अभी तक, कोई जवाब नहीं आया। भाई इस घोटाले में ये करोड़ों रुपए का घोटाला है, छोटा सा घोटाला नहीं है, और इसमें हरियाणा के डीजी से लेकर के एसपी तक
70% आयत कैसे दो मुझे, एक नहीं है 70%। तो इसमें क्या करते हैं, इसमें इस प्रावधान नहीं है रूल में, आप भाई कहाँ खर्चोगे, यहाँ यहाँ खर्चोगे। अब इसमें इन्वेटर खरीद लिए 1,80,000 के, 5,00,000 दे दिया जी CISF को, अरे किस बात का दे दिया, वेलफेयर फंड हमारा है, किस बात का दे रहे हो तुम, किसको दे रहे हो, स्कूल है ठेके पर दे रखे हैं, DAV को श्रीराम संस्था को 10,00,000 दे दिया है, उसका कोई वापसी का कोई मतलब नहीं, 10 क्यों दे दिया भाई, किस बात का दे दिया है। फिर चाय पार्टी है, चाय पार्टी रुक कर रहे हैं, फिर कैंटीन है, कैंटीन का ऐसे कोई संबंध नहीं, कैंटीनों में दे दिया, जनरेटर खरीद लिए, अरे जनरेटर को SPV कोठी में जनरेटर लग रहे हैं, इसका SPV कोठी से क्या मतलब इस वेलफेयर फंड से, तो इस वेलफेयर फंड के नाम से आंखों में सरकार या कोर्टों के आंखों में भी धूल झोंक रहे हैं, ये कहते हैं जी हमने वेलफेयर कमेटी बना रखी है, हम इनका वेलफेयर करते हैं, और इस वेलफेयर के नाम पर शोषण होता है, जो कर्मचारी वेलफेयर के नाम पर मीटिंग होती है, पिछली बार हमारी एक मीटिंग बुला दी CM साहब ने 17 अगस्त 2016, तो उस समय हमारी कॉन्स्टेबल एंड कॉन्स्टेबल एसोसिएशन के प्रधान थे राजेंद्र सिंह तोमर, ये मौजूद है यहाँ, तो उस मीटिंग में क्या हुआ, वर्दी पहन के आएंगे एसोसिएशन वाले, तो जी ये हमारे कर्मचारी वर्दी पहन के चले गए, कुछ को तो CIA में पहले रोक लिया, गया पीछे ड्यूटियां ही रुद्ध कर दी, ये तो पूछ गए थे, आगे पूछ गए थे गेट पे, तो इनको वहां से जबरदस्ती उठा ले गए, CIA स्टाफ में ले गए, 5 बजे मीटिंग हुई, 5 बजे छोड़ दिया जाइए आप, मतलब मीटिंग होते तो सामान नहीं हो देते, एक तरफ तो एसोसिएशन को मान्यता दे रखी है, और एक तरफ वेलफेयर की मीटिंग होती है, वेलफेयर के मेंबर भी हैं, और वो भी सामान नहीं हो जाते, उसका प्रोस्टेक्ट किया तो कहता है जी हमें तो पता ही नहीं, तो मतलब यहाँ तक ही जाती है हमारी, है इसके लिए मजबूत तो होना ही पड़ेगा। तो ये छोटी छोटी चीजें, जैसे भाई चौहान जी ने बताया, वहाँ हिमाचल में तो भी स्वरूप इतनी मजबूत नहीं है, लेकिन हमारा तो मान्यता होने के बाद भी काम नहीं करने देंगे, जहाँ मान्यता नहीं वहाँ क्या काम करने देंगे। जो जो सुप्रीम कोर्ट ने एक बार टिप्पणी की थी कि एसोसिएशन ने सांस ले ली है, अरे तो सांस भी नहीं, मर्द हो रही है, सांस खा रही है, ये तो मर्द प्राय हो रही है, और इन अधिकारियों की वजह से हो रही है, करप्शन की वजह से हो रही है। आज जिस दिन ये एसोसिएशन पनप गई, अगर देश में से करप्शन खत्म करनी है, पुलिस डिपार्टमेंट में ये एसोसिएशन मजबूत कर दो, मैं कहता हूं घना नहीं ज्यादा नहीं तो 90% देश से करप्शन खत्म हो सकती है, अगर पुलिस क्योंकि हमारे थाने में या जो भी क्राइम होता है, जो भी ओवरलोड की ट्रैफिक ओवरलोड बात करता है या और कोई क्राइम होता है, पुलिस के सिपाही ने एक एक चीज का पता होता है, लेकिन वो मजबूर होता है, वो उसको उजागर नहीं कर सकता। और इस रिस्ट्रिक्शन जो एक्ट लगाया है, वो पुलिस रिस्ट्रिक्शन एक्ट, इसकी वजह से प्रेस में नहीं जा सकते, कहीं अधिकारियों को उधर नहीं जा सकते, एसोसिएशन का लिख कर दो, उसको लिख कर दे दो अधिकारी को, वो फेंक देते हैं, पड़ी रहेगी पड़ी कार्रवाई को होती है। तो इसलिए ज्यादा ना कहते हुए तकरीबन मैंने सारी रख दी, और महेंद्र सिंह आदिल जी बैठे हैं, पुरानी बातें ये बेगा जी बताएंगे। तो जब तक इतना वादा हम नहीं रखेंगे, आज हम कुर्बानी भी दे सकते हैं और सब कुछ हम कर सकते हैं, कुर्बानी देना ये नहीं है भाई हम गोली चला दें, ये कर दिए, इसके हम हक में नहीं है, क्योंकि हिंसा के हम नहीं है, ना हमारी एसोसिएशन है, ना कभी रही है, ना हम सप्लाई के हक में है, हम सप्लाई के हक में भी नहीं है। अरे भूखे रह जाओ, दूसरे काम कर लो, ड्यूटी अफसरों के अधिक या रोज गलत आदेश देते हैं, मत मानो, मत इम्प्लीमेंट करो, तो ऐसी जनता के को साथ लो। अब क्या है, जनता पुलिस को सबसे बड़ा दुश्मन मानती है, क्यों मानती है, अधिकारियों के कारण हो गया कुछ होगा, जनता की पुलिस की जब तक खाई नहीं पाटी जाएगी, और खाई जब पटेगी जब एसोसिएशनों को सरकार मजबूती देगी, उनका सहयोग लेगी,
उनसे ये पता करे कि कहाँ कहाँ करप्शन हो रही है, कौन अधिकारी क्या कर रहा है, गलत काम क्या हो रहा है। आज ये देखो शिमला में गुड़िया कांड हुआ, या सीबीआई जितनी भी इंक्वायरी सीबीआई को जाती है, दूसरी इंक्वायरी है, आज तक जितनी भी सीबीआई को इंक्वायरी गई है सब में पुलिस मतलब कसूरवार मिलती है। क्यों मिलती है? क्योंकि वो करते हैं, और क्यों करते हैं? वो अधिकारी बन आ जाए आदेश होता है, क्योंकि एसीआर उनके हाथ में है, मजबूर होकर के करना पड़ता है, वो मजबूर है। इसलिए ये जो एसीआर का सिस्टम है, हम ये कहते हैं इस एसीआर का सरकार और हम एसोसिएशन ये कोशिश कर रहे हैं कि भाई पब्लिक जहां ड्यूटी करते हैं पब्लिक की ओपिनियन पर एसीआर लिखी जाए, ना कि अधिकारी के साथ। ये पावरफुल अधिकारी होती है, ये पुलिस का सबसे बड़ा एक मनोबल गिरा रही है, वो काम करने नहीं देते। इसलिए हम ज्यादा ना कहते हुए हम तो ये कहेंगे कि भाई आप लोग दूसरी स्टेटों से जो आए हैं वह हमारे जादू पड़े हैं, हम आएंगे और हर तरह की तन मन धन से हर तरह की हम आप लोगों की मदद करेंगे जितना हो सकेगा। तो पीछे हम ना आज तक रहे हम आसी से लेकर आज तक सरकारों ने नशे लगा लिए, सरकारों ने डिसमिशन कर लिए, देशद्रोह के मुकदमे दर्ज कर लिए, आज तक किसी भी मेरे को पूरी सर्विस में कोई एक भी इंक्रीमेंट या कोई भी वो सजा नहीं देश के कोई मेरे खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर सके आज तक। तो क्योंकि हमने अनुशासन बना के लड़ाई लड़ी है और कानून के दायरे बने के लड़ी है, और मैं तो सभी भाइयों को ये सलाह देता हूँ अनुशासन में रह के ही और कानून के दायरे में रह के ही हम लड़ेंगे तब कामयाब होंगे। हम ही कानून को तोड़ेंगे तो फिर तो लड़ाई लड़ी ही नहीं जाएगी। इसलिए मैं तो सभी जो भाई आए हुए उसी क्षेत्र से भी भाई मजबूत करो और कानून के दायरे में रह के करो, अनुशासन में रह के करो, ड्यूटी पहले उसके बाद एसोसिएशन का कार्य करो, तब हम कामयाब होंगे। जय हिंद, जय भारत।